हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने Mn4 के बारे में पढ़ा था कि Mn4 में ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है उसमें कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायहेड्री वगैरह है और बाद में उसका शेप। आज हम बात करेंगे Mn6। ओके, Mn6 में एक्सपोनेंशियल नंबर 6, तो यहाँ भी हमारे पास दो एग्जांपल है और Mn6 में हाइब्रिडाइजेशन के दो पैटर्न आते हैं, sp3d2 और d2sp3, और दोनों के बीच पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की चेंज हो जाएगी, वन डाई अनदर पैरा, और इसका प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है। और बाद में हम एजम्पशन करते हैं कि चलो ऐसा है तो ऐसा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड हमारी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट IUPAC। तो इसका IUPAC क्या होगा, एग्जामाइन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट आएगा, फ्रॉम कोबाल्टेट कोबाल्ट, और स्टेट रहेगा इसका 3, पीछे आप आएंगे इतना चार्ज देख सकते हो। ओके, क्योंकि एमोनिया का चार्ज 0 है तो कॉम्प्लेक्स का 3+ है तो कोबाल्ट का भी 3+ ही होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सबसे पहले कोबाल्ट, कोबाल्ट का नंबर 27 है, सो यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट एटम, तो कोबाल्ट का पहले लिखो इसलिए गलती ना हो, आर्गन कंप्लीट, आर्गन लिखा मतलब 18 अंक हो गए, आर्गन के बाद पैटर्न है 3d 4s 4p और 4c, ये पता होना चाहिए। ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट आइडियली इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में आना चाहिए लेकिन यहाँ पे आता है, वो आपको पता है, सो 18+2 20 और 20 के बाद d 7 27 हो गए, 4p 0 और 4d 0, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट की। अब कोबाल्ट को पता है कि चलो मेरे घर पे कौन आने वाला है, लिगेंड, और वो भी 6 एमोनिया, तो वो भी जैसे एक्साइटेड हो गया है जैसे यहाँ पे वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है कोबाल्ट 3+, क्योंकि लिगेंड को अट्रैक्ट करना है तो ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए। उसका रीजन सिंपल है, लिगेंड ऐसा लिगेंड कौन होता है मुझे बताओ, ऐसा लिगेंड या तो नेगेटिव आयन है या तो न्यूट्रल है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन होगा, न्यूट्रल है तो उसका जो डेल्टा माइनस है वो भी अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रांजिशन को पॉजिटिव आना पड़ेगा, इट मींस ट्रांजिशन मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव में आ जाता है, तो कोबाल्ट 3+ में आता है मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होंगे वो क्लियर होना चाहिए, तो हमारा एक 4s है उसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4s को पूरा लगेट हो जाएगा। 3d की बात करते हैं, अब 3d के पास 5 ऑर्बिटल होती है, उसमें से 3d एक इलेक्ट्रॉन वहां से भी जाएगा तो 3d 6 हो जाएगा, तो 6 मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, क्लियर। और पीछे 4p 3 ऑर्बिटल यहां पे है और 4d 0। चलो, तो कोबाल्ट ने एक अरेंजमेंट रखी है। ठीक है, अब एमोनिया ऐसा लिगेंड आ रहा है, 6 एमोनिया है तो 6 स्पेस उसके पास होनी चाहिए, तो ऑलरेडी देखो 4s तो खाली है, 4p में भी 3 वैकेंट है, 4d भी खाली है, मतलब CO3+ ने लिगेंड के लिए ऐसी अरेंजमेंट कर दी है। ओके, अब ऐसा लिगेंड जो है वो एमोनिया है, अब प्रैक्टिकली ऐसा प्रूव हुआ है प्रैक्टिकली कि इसमें जो हाइब्रिडाइज हो रहा है वो d2sp3 हो रहा है, ये प्रैक्टिकली ऐसा प्रूव हुआ है, d2sp3 d2 है मतलब ये जो d है उसकी दो ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए, तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करते लोग कि रीअरेंजमेंट जैसा कुछ हो रहा है, रीअरेंजमेंट मतलब कल भी मैंने बताया था CNN में, तो यहाँ भी ऐसा होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो पीछे अंतर है वो आगे आ जाएंगे, तो कन्वर्ट इन टू पैर, तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, देखो आर्गन 18 तो डी जो है 5 है उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे सेट हो जाएंगे, ये तो पैर 5, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर आ गया और एक इधर आ गया, इसका मीनिंग हुआ
डी ऑर्बिटल दो वैकेंट हो गए, ठीक है। तो ये दो ऑर्बिटल, एक एस ए वाला और ये तीन पी, और ये टोटल छह वैकेंट ऑर्बिटल जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कौन सा, डी टू एस पी थ्री। तो आउटपुट क्या रहेगा, सिक्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आपके सामने आ गए 40 की कोई जरूरत नहीं, तो 40 एमपी रहेगा जीरो। और अमोनिया ने देखा कि हाँ छह ऑर्बिटल वैकेंट है, सबके नेम सेम है, एनर्जी सेम है, शेप सेम है, हमें कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे छह अमोनिया आ गए, एक अमोनिया एक लोन पेयर के साथ आता है, तो ये अमोनिया है, ये भी अमोनिया, 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 तो ये सब अमोनिया यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये आपका बना कॉम्प्लेक्स CONH3+, इतना आपको लिखना है, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कंफर्म B2SP3, B2SP3 मतलब 2, 3D, 1, 4S, and 3, 4P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगी उतनी ही ऑर्बिटल बाहर आएगी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नाउ सी ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन पेयर्ड, ओके, पेयर्ड है मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका जो नेचर होगा दैट इज डायमैग्नेटिक, इसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक, ये भी क्लियर होना चाहिए। शेप कौन सा है वो क्लियर है, शेप से पहले बात करते हैं, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप बोलोगे इनर ऑर्बिटल क्यों, उसका रीजन है लिगेंड 3D जब आ गया, 3D को खाली करवाया देखो, और 3D जो है वो इनर ऑर्बिटल है और 4D जो है वो आउटर है। तो ये ML6 में दो कैटेगरी होती है, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। इनर का मीनिंग होता है 3D यूज होता है, और आउटर का मीनिंग होता है 4D यूज होता है। 4D होगा तो 3D नहीं होगा, 3D होगा तो 4D नहीं होगा। इस बेस पे दो पार्ट है, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। तो एग्जांपल आप इनर का क्या ले सकते हैं, क्लियर। दूसरे दो तीन नाम भी दिए उसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनर ऑर्बिटल के साथ साथ नई बुक में दो और नेम भी दिए इसको, वन दैट इज लो स्पिन, वो भी बोल सकते हो लो स्पिन। लो स्पिन क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सब पैर में आ गए तो स्पिन की वैल्यू कम हो जाएगी, लो स्पिन हो जाएगा। और दूसरा नाम है उसका स्पिन पैर कॉम्प्लेक्स, स्पिन पैर कॉम्प्लेक्स ऐसे भी बोलते हैं, लो स्पिन, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, स्पिन पैर कॉम्प्लेक्स, गुड। तो ऐसे नाम दे रखे हैं। उसके बाद शेप के बारे में देखते हैं, तो शेप कौन सा रहेगा वो आपको पता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा में कोपोनेंट सेंटर पे होगा, चार एमोनिया एक ही प्लेन पे, ये आपका स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये ऊपर और एक नीचे, यहां पे आप एमोनिया एमोनिया सेंटर को ठीक है, और ये हो गया हमारा प्लस लाइक दिस, बहुत सिंपल है। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए बस, यदि वो पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। ML4 में दो थे, एक DSP3 था और एक SP3 था, यहाँ पे भी दो है, D2SP3 और SP3D2। अब जो दूसरा ले रहे हैं इसमें SP3D2 होगा, पीछे जो 4D है वो यूज होगी, 3D कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है, और प्रैक्टिकल में जो रिजल्ट मिला है उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, और बाद में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका एक फोटो निकाल लेते हो अमोनिया का, ओके। दूसरी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पुराने बुक में ऐसा क्वेश्चन था, CONH3+2+ इज अनस्टेबल, अनस्टेबल व्हाइल CONH3+ इज स्टेबल। अभी जो पढ़ रहे हो स्टेबल है, इस स्टेबल कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन मान लो कि आपने 2+ कर दिया तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे तो इसका मीनिंग और यहाँ पे कोवेलेंट 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस का मीनिंग और कि 4s के दो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे बस, तो 3d के 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जाएंगे तो यहाँ पे 3d 7 हो जाएगा। यस 2 प्लस यदि हम 2 प्लस लेंगे तो ओके। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये तीन ऑर्बिटल कैसे आ जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन सॉरी हमें दो पैटर्न करना है, इलेक्ट्रॉन तीन है तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम रहेगा। सोचो आप एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, चलो ये तो क्या होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि दो डी पैटर्न करवानी है, दो थ्री डी पैटर्न करनी है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, दैट इज क्वेश्चन। सर याद रहे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिखेट के लिए जगह है तो एक इलेक्ट्रॉन को कंपल्सरी पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब किसके पास, उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल बन जाएगा और बाद में वो वहां से भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है और फाइनली वो 2 प्लस में से 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज स्टेबल। अब आपके घर पे गैस आ रहे हैं, आपको पता है कि इतने गैस के इतने कमरे हमें उनको खाली करके देने पड़ेंगे, पर आपने एक कमरा छोड़ दिया, नहीं देखते क्या होता है, तो वो आएगा उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटर है कि पहले से निकल जाओ, नहीं शुरू तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। चलो अब दूसरा कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, दैट इज अ सेकंड CO F6। चलो इसका आईयूपीएसी क्या होगा, एग्जाम फ्लोरिनो कोबाल्ट PN। क्लियर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का रहेगा आपके सामने ही है, इसके बाद फ्लोरीन -6 फिर भी चार्ज तो रहेगा, 3 प्लस ही रहेगा, 3 प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, 4s में से दो गए, एक 3d में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d6। क्लियर, चलो अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक तो कॉमन ही है, अब फ्लोरीन का जो टीचर का अच्छा है, चलो जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे और इसीलिए यहाँ पे कोई कंट्रोल ऑप्शन नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, 3d का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज ही रहता है, लेकिन नो चेंज 1 2 3 4 5 6 नो चेंज। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा क्यों हुआ है, इसमें sp3b2 होता है, sp3b2 इट मींस 1 4s 1 4s 3 4p ओके एंड 2 4d मतलब 4d जो 5 होती है उसमें से दो इक्वल हो गए, तो s p3 और d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 4d की तीन पैटर्न बनेगी, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन यहाँ पे आ गए। क्लियर, तो इस केस पे कॉम्प्लेक्स बन गया और एक फाइनल जो बना वो COF6 3 प्लस का बना है, तो इस केस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया sp3d2 और एक ऐसे रह जाता है, नेचर चेंज होगा टाई नहीं, इसमें नेचर होगा पैरा मैग्नेटिक। तो लिंगल बॉन्ड हुआ यहाँ पे 1 4s 3 4p and 2 4d, ठीक है, डायमैग्नेटिक की जगह पे क्या लिखेंगे, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 1 2 3 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 4 पॉइंट समथिंग, इनर ऑर्बिटल की जगह यहाँ पे लिखेंगे आउटर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन की जगह यहाँ पे हो जाएगा हाई स्पिन। ओके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शेप कौन सा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा और एमोनिया की जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, मतलब कोबाल्ट शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप दैट इज सेम, ऑक्टा कैसे बनाते हैं, क्लियर होना चाहिए, फ्लोरीन 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 और यहाँ पे प्लस, क्लियर, तो बहुत ही ईजी है, मतलब एक मेथड आपके पास होनी चाहिए कि चलो कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, और फर्स्ट प्लेस से ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको ऑर्बिटल का सीक्वेंस पता होना चाहिए, आंसर के बाद
3D, 4X, 4P, 4D बस। और एक बार आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप आराम से अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ML4 में दो हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, DSP2 और SP3। ML6 में भी दो है, D2SP3 और SP3D2। जहां पे D से स्टार्ट होता है वो इनर ऑर्बिटल वाला होगा और जो S से स्टार्ट होता है वो आउटर ऑर्बिटल है, पर्टिकुलर इन ML6। उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, शेप क्या है वो याद रखना है। ML6 में तो हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो शेप कौन सा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। ML4 में थोड़ा आपको सोचना है, ML4 में दो कैटेगरी है, SP3 में टेट्रा है और DSP2 में स्क्वायर प्लेनर है। पर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IUPAC से बेस्ट होना चाहिए, जिसे कोई भी फैकल्टी या टीचर या सर आपके मार्क्स एग्जाम में काट ना सके। क्लियर, बहुत इजी टॉपिक है और आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मार्क्स लूज नहीं किए हैं तो हमें भी रेकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो विभी थ्योरी के बेस पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ऐसे बनता है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जहां तक बात है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो है एक्चुअली। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा ट्रांजिशन मेटल ओनली, वहां भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है और यहाँ भी आती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप देखो, एक कोबाल्ट 3+ जब बना बिफोर एंटरिंग लिगेंड, जब लिगेंड नहीं आया था तब की भी बात कर रहा हूँ, तब 3+ में कितने अंपेयर थे, 1, 2, 3, 4 ही थे, तो वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी 3+ की हो जाएगी। ओके, लिगेंड आने के बाद क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो फ्लोरीन जो है वो पीछे जो मैग्नेट ऑर्बिटल है वहां पे सेट होता है, इसका मीनिंग हुआ आगे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो यहां भी अंपेयर 4 ही रहेंगे, इसका मीनिंग हुआ यहां पे CO3+ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों सेम है। और एमोनिया वाले में क्या हुआ था, एमोनिया में गड़बड़ हो गई थी, CO3+ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी और एमोनिया आने के बाद वो चेंज हो गई, बात समझ आ रही है। तो चैप्टर नंबर 9 जो ट्रांजिशन है वहां भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो बिफोर एंटरिंग लिगेंड है, और यहां जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो ये चैप्टर में, दैट इज आफ्टर एंटरिंग लिगेंड, दोनों में इतना डिफरेंस है। ओके, मतलब लिगेंड आने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, that depends on nature of ligand, that depends on nature of ligand। पुरानी बुक में से दो वर्ड थे, strong ligand and weak ligand। strong ligand का मतलब होता है कि वो जितना हो सके उतना transition के नजदीक रहता है और इसमें वो rearrangement होती है, अंतर इलेक्ट्रॉन पैड में कन्वर्ट होता है। ओके, और जो weak होते हैं वो पीछे ही रहते हैं, मतलब जहां जगह मिली वहां बैठ जाता है। जैसे स्टूडेंट दो टाइम के होते हैं मेरी क्लास में, जैसे क्लास स्टार्ट हुआ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो सर के सामने ही बैठना है, फर्स्ट बेंच पे बैठना है या तो सेकंड या तो थर्ड, जितना हो सके उतना सर के नजदीक बैठना है। तो वो क्या करेंगे, पुशअप करेंगे, धक्का देंगे, चलो आगे बढ़, मुझे यहाँ बैठना है, ठीक है। 3 सीटेड बेंच है, दो ही लोग बैठे तो वो एडजस्ट कर लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट एंटर होते हैं क्लास में, उसकी जो उसका नजर है वो लास्ट बेंच पे होता है, आगे देखते हैं नहीं कौन बैठा है कितनी जगह, बस वो पीछे बैठते अपने बस्ते में, क्लियर, ये पता होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स की जहां तक बात है, जितना लिगेंड और ट्रांजिशन के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो सिंपल कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, स्टेबिलिटी में दोनों का रोल है, और स्टेबिलिटी में बॉन्ड लेंथ आएगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जितना ट्रांजिशन मेटल का चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जितना लिगेंड और ट्रांजिशन के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतनी वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, इससे MCQ सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।